और यकीन करें कुरान हकीम में एक दो नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों आयात ऐसी हैं जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सामने तलावत भी नहीं कर सकता वो उसका गला काट देगा जी होगी वो कुरान की आयत क्योंकि उसके कीदे के खिलाफ होगी उसे लगेगा इसमें तो तोहीन हो रही है इसमें तो गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है अब उस बेचारे को नहीं पता है। ये कुरान में लिखा हुआ है वो बजाय कुरान पे गुस्सा खाने के उस बंदे पे गुस्सा खाना शुरू कर देगा इसका फिर तरीका ये होता है कि आपने जो आयत किसी को पेश करनी है ना तो मेहरबानी करके मुसलमान को आयत पेश ना करें काफिर को आप बेफिक्र होकर पेश कर लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कोई गुस्सा नहीं आएगा मुसलमान को अगर आपने कोई ऐसी आयत पेश करनी है तो उसे सिर्फ आयत का नंबर सूरत का नंबर बता दें और उसे कि मेरे भाई से निकालो अपने मक्त में फिक्र का तर्जा जरा पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा हुआ है और फिर इसको पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि यह क्या है क्योंकि उर्दू में ना, है ना अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है हमें तो अरबी आती नहीं सर आप अरबी सीख भी आए आपको सऊदी अरब अर्भ से अरबी की डिग्री भी मिल जाए तब भी आपका तर्जमा कोई नहीं मानना क्यों एंड पे उन्होंने ये कहना है कि आमजरिलवी को ज्यादा अरबी आती है या आपको हां बोले अली थानवी को ज्यादा अरबी आती है या आपको तो कौन जुरत करेगा तकी उस्मानी साहब भी जुरत नहीं करेंगे हालांकि उन्होंने भी कुरान का तर्जमा किया कि वो ये कह दें कि मुझे अशरली थानवी से ज्यादा अरबी आती है तो फिर कितना आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट अली थानवी साहब का तर्जमा पढ़ लें क्योंकि आपने अरबी के जो तर्जमा करना था वो उससे बेहतर तो कर नहीं सकते तो लिहाजा आप का तर्जमा पढ़ ले दूसरी बात सबक क़राम पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी अपनी जुबान में कुरान नाजिल हुआ इसलिए उनमें तब्दीली आई और उन्होंने दुनिया को उलट के रख दिया जुल्म का निजाम खत्म कर दिया हमारी जो मादरी जुबान है वो उर्दू है अब उर्दू में अगर कोई बहुत बड़ा आलम दीन जिससे ज्यादा अरबी किसी को ना आती हो वह तर्जुमा कर दे तो अब वह लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो गया गोया कि वह कुरान उर्दू ही में नाजिल हुआ है अब उर्दू में कुरान अगर नाजिल हुआ और मैं उसे पढ़ रहा हूं अब मुझे कोई आलम दीन गए कि नहीं इसका यह मतलब नहीं ये है तो वो कैसे मुझे धोखा दे सकता है क्योंकि वो तो मेरी अपनी अरब मेरी जुबान है उर्दू मुझे तो पता है कि उर्दू में इस बात का मतलब क्या है अब अगर वो कहे नहीं अरबी में यूं नहीं होता उसे कहो कि भाई तुम किस फिर कैसे हो अगर वो कह रेलवी तो उसे कहो अब मजहब रेलवी को ज्यादा अरबी आती है तुम्हें है हो जाएगा देवबंदी है तो उसे कहोशरी थानवी को ज्यादा अरबी आती है तुम्हें अहल हदीस है तो उसे कहो कि जूना घड़ी साहब को ज्यादा अरबी आती है तुम्हें शी है तो उसे कहो कि सईद फरमानी शाह को तर्जमा ज्यादा बेहतर करना आता है तुम्हें सब ईया का ईया का नस्ताइन का तर्जमा वही कर रहे हैं जो हमने अकीदा बनाया हुआ है तो अल्टीमेटली आपने ये करना है बाकी अगर आप ये रिस्क लेंगे कि आप डायरेक्ट किसी को समझाने की कोशिश करें तो सर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यहां पर तो आप कुरान की आयत का तर्जुमा सिर्फ बयान कर दें टू नाइन्टी फाइव सी कन्फर्म है आपको हकीम में ऐसी दर्जनों आयात है अगर आप कहते हैं तो हजूल बरकत के लिए मैं एक आद कोई जान कर दूर पहले द्रूष ही पड़े मोहम्मद हाँ जी उनमें बोला कि ना बोला एक आयत बोलन लगा जे और ये मेरा जो दावा है ना कि ये आयत आप पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के सामने इसका तर्जमा करके नहीं बता सकते वो आपका गला काटेंगे क्योंकि उनका कीदा उसके खिलाफ है ये आयत उनको पेश करें और उन्हें कहें कि आप आमज़ा अब्रेलवी साहब का तर्जमा कंजुल ईमान निकालें और इसका तर्जमा उसमें से पढ़े हम नहीं कहते कि हम आपको तर्जमा करके बताते हैं तर्जमा आप खुद करें उसमें से पढ़ें क्योंकि आमज़ा अब साहब का तो इश्क रसूल जस्टिफाई है ना आपके नजदीक तो उन्होंने तो गलत तर्जमा नहीं किया होगा बहरअल हम आपको तर्जमा जो अरबी लिंग्विस्टिक में बनता है वो कर देते हैं आपको कोई फर्क नजर आए तो आप हमारी इलाह कर सकते हैं है सूरतल की आयत नंबर वन एटी एट आऊ दुबिल्लाजीमसी नफ आऊ अला वर्र महबूब सलम तुम ये ऐलान कर दो फरमा दो मैं तो अपनी जान के लिए भी ना किसी नफे का मालिक हूं ना किसी नुकसान का तो किसी को नफा नुकसान क्या देना माशा अल्लाह मगर जो अल्लाह चाहता है वही होता है यानी ये तकवीनी उमूर का मालिक अल्लाह है हैल गईब ये आयत वही चल रही है अगर मैं गईब खुद जान लेता खुद नहीं मैं जान सकता जब तक अल्लाह वही ना करे सूरह आले इमरान की आयत नंबर वन नाइन में आया ना कि ये अल्लाह की शान ही नहीं कि वो किसी को गैब पर मुतला करे व माकानकुमल गईब बल्कि वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है गईब की खबर के लिए यानी वही के जरिए बताता है गैब की खबर कोई ये इल्म कोई कॉम्पिटेंसी नहीं कि कोई शख्स हासिल कर ले मसलन आप तंदूर में रोटियां लगाना यह सीख सकते हैं ड्राइविंग सीख सकते हैं लेकिन इलमे गैब कोई कॉम्पिटेंसी नहीं कि कोई शख्स सीख ले और इसी तरह की एक मिसाल बच्चे के हवाले से है कि बच्चे के लिए जो दूध का उतरना है वो मां के अख्तियार में नहीं है वो अपने अख्तियार से नहीं ये कर सकती तो अल्लाह तब हमारा है कि ए नबी तुम फरमाओ अगर मैं खुद गईब जान लेता लस तख्तर तुमलखई तो मैं अपने लिए बहुत सारा खैर जमा कर लेता जब आपको मुस्तबिल का पता चल जाए कि यह होने वाला है तो आप हर खतरे को फोर्स ही करते हुए उसके लिए कोई रेमेडी कर लेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन फिर साथ ही अल्लाह ने उसी आयत में कर दी वमा मसनिय मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती मसलन अगर कोई शख्स ये जान ले यानी इसको आप समझ लें कि जुनेद जमशेद साहब को अगर ये पता होता कि मैं इस फ्लाइट में बैठूंगा तो ये इस्लामाबाद नहीं लैंड करेगी ये आखरत में ही जाके लैंड करेगी तो वो सवार होते नहीं और सवार होना कोई अकलमंदी भी नहीं थी क्योंकि जान बचाना फर्ज है तो नबी इस्लाम से कहवाया जा रहा है कि आप फरमा दें अगर मुझे गरीब का इल्म होता ना खुद से अल्लाह जितना बताता है वह तो ठीक तो मैं अपने लिए खैर कसीर जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ कभी ना पहुंचती यानी इस्लाम को अगर ये पता होता कि गजब अहद में चंद अब के इस्लाम के फरमान से रू गर्दानी करने के सब मेरे भी दांत शहीद हो जाने हैं तो नबील इस्लाम पहले ही फोर्स ही कर लेते उस मसले को कि यह होने वाला है तो नहीं हुआ ऐसा नजीर हूं बशीर मैं तो नहीं हूं सवाए इसके कि मैं डर सुनाने वाला हूं और खुशखबरी देने वाला हूं यानी जो अल्लाह के नाफरमान है उन्हें डरा रहा हूं कि तुम्हें पकड़ होगी अल्लाह के हजूर और जो अल्लाह के ताब फरमान है उनके लिए खुशखबरी ले के आयु कि तुम्हें अल्लाह के हजूर इनाम मिलने वाला है लिखऊ मीनू और ये ऐसे लोगों के लिए कि जो बात मानना चाहें जो ईमान लाना चाहें जो नहीं मानना चाहता दफा हो जाए अब मैं ये दोबारा से इस आयत को पढ़ के सिर्फ सलीस तर्जुमा करने लगूं और मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के किसी चौक में खड़े होके कोई स्पीकर में कुरान का ये तर्जुमा बयान कर सकता है हजारों मुमताज कादरी ना आगे उसे दर्ज शहादत पे फायज करने के लिए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा आ रहा यह मिलाद का महीना आप हिम्मत करें बार रबी अल्वल को आप ये आए तर्जमे के साथ लगा दें किसी चौक में कह नबी तुम फरमाओ कि मैं तो अपनी जान के लिए किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह मेरे लिए चाहे और अगर मैं खुद से गायब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती मैं तो नहीं हूं मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला उस कौम के लिए जो ईमान लाना चाहे जो बात मानना चाहे हाँ ये करके बताए सारे बाबे फार जी लोग कहेंगे कि के अगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु सल वसल्लम के लिए कुरान में यह बात आ रही है कि नबी तुम फरमा दो मैं तो अपनी जान के लिए किसी के नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं तो लोग क्या कहेंगे तो शाही कोई नहीं हाँ मजा है तो लोग फिर ये कहेंगे से शाही कोई नहीं तो पैगंबर की अगर इन्होंने मान ली होती ना तो ये सारे बाबे फारेग हो जाते लिहाजा किसी हद तक ये जस्टिफाई है जो कहते हैं कुरान दी ड्रैक नहीं पढ़ना चाहिए बंदा तो गुमराह हो जाता है वो उनके वो अकायद फिर जो जिसको वो अकाद क्लेम किए फारग हो जाएंगे आप वो पेश ही नहीं कर सकते जो लोग बुजुर्गों के लिए इमामों के लिए मासूमियत कादा लेके बैठे में हम उन्हें कहते हैं बुजुर्गों और इमामों की मासूमियत तो छोड़ दें आप जरा पहले अंबिया की मासूमियत साबित करें कुरान से जो आपने क्लेम की हुई है तो फिर हम हजरत आदम इस्लाम से शुरू होंगे क्या हजरत आदम असलाम से इजतहादी खता नहीं हुई अंबिया के बारे में मासूमियत सिर्फ यह है कि अंबिया गुनाहे कबीरा नहीं करते गुनाह सगीरा नहीं करते गुनाह वाला काम वो नहीं करेंगे लेकिन ऐसा अमल उनसे सरजद हो सकता है जो अल्लाह ताला उनकी शान के लायक उनसे पसंद नहीं फरमाता उसी को आप खता कहते हैं हां बाजुकात अनजाने में कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो बहुत बड़े लेवल का हो जिसमूसा इस्लाम से बंदा मर गया लेकिन जाहिर है कि दुनिया की किसी अदालत में भी अगर मुक्का मारने से बंदा मर जाए तो उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं बनता क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट नहीं बंदा मारने का वो मूसा इस्लाम के मौके से ही बंदा मरा है तो उन्होंने मारने की नीयत से यह नहीं किया फिर भी आप कुरान में देखें हजरत मूसलाम कह रहे हैं कि शैतान ने मुझसे ये काम करवाया उन्होंने अल्लाह से उसमें माफी मांगी है नूअ इस्लाम ने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ की है अल्लाह तला ने कितने सख्त अल्फाज में हजरत नू अलीस्म को कंडेम किया और हजरत नू इस्लाम ने फिर अल्लाह से माफी मांगी वो अल्फाज भी नहीं आप पब्लिक को बता सकते हमारे नबी इस्लाम के बारे में सूर्य तोबा में आया कि ए नबी अल्लाह आपको मुआफ करे आपने इन मुनाफिक के बहाने क्यों सुन के इन्हें जाने दिया गजब तबुक से ये भाग रहे थे अल्लाह आपको मुआफ करे अभी आप किसी को कह सकते हैं सूरत में गजे बदर के कैदियों के बारे में इतने सख्त अल्फाज आए कि अगर वो एक आयत पहले नाजन ना हुई होती तो हम आपको और आपके साथियों को अजाब देते जो आप लोगों ने गजबे बदर के कैदी जो है कतल करने की बजाय फिदिया लेके छोड़े हैं और ये तो ऐसा मुकाम है कि बरेलवियों के सबसे बड़े मौजूदा दौर के आलम दीन फौत हो चुके हैं पीर करम शाहब अलजरी जो जस्टिस भी थे अलजहर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और वहां के पोजिशन होल्डर थे और उनके मदरसे को आठ भी चार सीटें कोटे की मिलती है अलदर यूनिवर्सिटी मिसर के अंदर इतना वो इनका रिगार्ड करते हैं उन्होंने तर्जमे में यहां लिखा कि एनबी तुम्हारी इजतहादी खता की बिना पे ऐसा होता है इजतहादी खता उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है तो जब अंबिया इक्राम के बारे में कुरान में ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हो फिर हम ये बात कहने में क्या हाकजारिम नहीं है कि बाबे कोई नहीं है कि नहीं वैसे अगर ये मेरा जुमला आप काट लें तो वो तो लोगों को धुआं निकलेगा लेकिन जब वो कुरान के बाद ये जुमला बोलेंगे कह के यार सही कह रहे हैं दो चार और साढ़ी तरफों कवे पंजाबी बिच तो ये किताबों का खुदाया जी